Right. So, question 31 with reference to 64 Yogini Temple situated near Morena. Consider the following statement. So, first was it's a circular temple built during the Kachha Phagata dynasty. Next, it is the only circular temple built in India. Third, it was meant to promote the Vaishnava cult in the region. And fourth, its design was given rise to the popular belief that it was the inspiration behind India's parliament building. तो बहुत रिसेंटली हमने ये वाला क्वेश्चन मतलब 64 योगिनी टेम्पल का था, आर्ट एंड कल्चर का जो डिस्कशन है उसमें डिस्कस किया था। तो क्या आंसर होना चाहिए था इसका? एलिमिनेट करके सी वन एंड फोर। राइट। तो इलिमिनेशन एक बेस्ट वे था क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट। राइट हाँ, तो पहला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एलिमिनेट किया जा सकता था, इट इज द ओनली सर्क्यूलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, इससे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने टेम्पल्स हैं तो सर्क्यूलर बस एक ही हो। और फिर ये 64 योगिनी टेम्पल जो है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये मोरेना का दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में जो 64 योगिनी की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे 64 योगिनी टेम्पल है यहाँ इंडिया में, और वो एक कल्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जैसे और उनका मेन थीम होता है योगिनी, जो हिंदुइज्म में वही तांत्रिक और ये योग से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये टेम्पल बनाया था देवपाला ने, कच्छप घाट। हाँ, कच्छप आघात, इसका वो करो तो दोनों को मतलब वर्ड्स को वो करो तो पता चलेगा कि कच्छप मतलब कछुआ और आघात मतलब उसको मारने वाला। तो इन लोगों को किलर्स ऑफ टर्टल्स ऐसे कहते थे। तो ये डायनेस्टी थी, बहुत छोटी थी, और ये वसल्स थे प्रतिहाराज और चंदेलाज के। ठीक है, तो टाइम लाइन थोड़ा दिमाग में रखना, तो 1055 AD से 1075, बहुत कम इनका वो है, 25 साल का। तो और ये टेम्पल एक तरसो महादेवा टेम्पल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीट्यूड ऑफ शिवालिंगास मिलते हैं। ठीक है, तो वही योगिनी टेम्पल्स के बारे में बता रही थी। तो ये कल्ट 9th to 12th century, और इनका एक स्पेशल फीचर्स है, रूफलेस हाइपिथ्रल श्राइन्स होते हैं। वो मतलब क्या, ओपन स्काई इस तरह। ठीक है, और फिर हाँ, इसमें फीमेल मास्टर्स ऑफ योगा इन हिंदू तंत्रा ये बताया मैंने। फिर ये गॉडेस पार्वती से इक्वेट करते हैं इसे। ठीक है, गॉडेस पार्वती का इनकार्नेशन है, कहते हैं सेक्रेट फेमिनिन फोर्स। और स्पेशल फीचर्स है कि यहाँ 64 योगिनी योगिनीज होते हैं टेम्पल में, इसलिए इसे 64 योगिनी टेम्पल कहा जाता है। और मोरेना के अलावा उत्तर प्रदेश में है और उड़ीसा में है और राजस्थान और कुछ कुछ स्टेट्स में है, लेकिन वहाँ रिमेन्स नहीं मिले हैं, तो माना जाता है कि वहाँ भी रहे होंगे। ठीक है, तो योगिनी इज रिलेटेड टू तांत्रिक हिंदुइज्म, और यही कि फीमेल गॉडेस होती है, वे बॉडी फीमेल का होता है और एनिमल हेड। ठीक है, और बुद्धिज्म में भी हम ये तांत्रिक बुद्धिज्म में ये डाकिनी का, इसे योगिनी से ही इक्वेट करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट मिलता है बुद्धिज्म में। और किसी ने कौन सी फिल्म, एक बुलबुल देखी होगी, तो उसमें डाकिनी का कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही कि ऊपर ओपन स्काई है ये हाइपिथ्रल। ठीक है, और यही एक प्लिंथ पे बना रहता है, वो रेस प्लेटफॉर्म होता है, सर्कुलर है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर सर्कुलर। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है जो रेक्टेंगुलर भी है और फिर थोड़े अलग है। तो ये मोरेना की फोटो है, तो ये सारे वो है, सेंट्रल शिवा श्राइन होता है, ये मुरैना है अंदर का पार्ट, साइड में करना राइट में। ये सारे टेम्पल्स देख लो जो अलग अलग हैं। तो ये उड़ीसा वाला है रानीपुर झरियाल योगिनी टेम्पल, तो इसका भी स्ट्रक्चर वही है, थोड़ा प्रिमिटिव लग रहा है लेकिन वो ज्यादा पॉलिश्ड है,
मोरेना वाला, लेकिन ये भी सर्कुलर है। ठीक है, नीचे ये थोड़ा अलग है, ये खजुराहो एमपी का योगिनी टेम्पल है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एक दो कुछ कुछ अलग हैं, जिसमें से ये है और एक शायद यूपी वाला है रेक्टेंगुलर वाला। और ये भेड़ाघाट जबलपुर, फिर से एमपी, वहां का है, योगिनी टेम्पल है। उसके बाहर का प्रेमिस आई थिंक इसका सर्क्यूलर है, ये अंदर में इस तरह बनाया गया है, थोड़ा रेक्टेंगुलर वाला। और ये यूपी का है। ठीक है, बादो गदरमल टेम्पल ऑफ मदर्स, ये भी नहीं, ये भी योगिनी है, योगिनी टेम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं टेम्पल से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स, तो ये हमने करा हुआ है, तो इसका आंसर बताओ। असावली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। ए हरेश्वर सर वो ने है ना अनऑनली एलिमिनेट करके 1 पे पहुंच। हाँ, अमरकंटक में क्या है तो बता सकते हैं? अमरकंटक में टेंपल अगर है तो हमें ओमकारेश्वर, तो आई गेस ज्योतिर्लिंग है, और महाकालेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग है, राइट? तो वो तो पता रहता है। बाकी अमरकंटक का एनीवन फ्रॉम एमपी जिसको आइडिया हो कि कोई फेमस टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन था। हाँ, तो ये पूछा है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अजंता में कह रहा है ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास, महापरिनिर्वाणा विद न्यूमेरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड द सोरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। माउंट आबू का कह रहा है वराह अवतार, बोर इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड क्योटिक वाटर स्कल्पचर्ड ऑन रॉक। और ममल्लापुरम में कह रहा है अर्जुनास पेनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। तो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। वाला आई गेस गलत है, बाकी तो सही। हाँ, फर्स्ट वाला ऐसे गलत कर सकते थे क्योंकि वो सारी केव पेंटिंग्स है, तो स्कल्पचर्स का कोई लेना देना ही नहीं है वहां पे। तो आई गेस 1 को सीधा एलिमिनेट कर सकते थे। एंड महामल्लापुरम हम पढ़ते भी है, आई थिंक इसको तो डेफिनेटली सबने पढ़ा होगा, तो थर्ड डेफिनेटली ट्रू होना था। आई थिंक उस लॉजिक से ज्यादा तो केवल ऑप्शन शायद थर्ड ही बच रहा था, बी, राइट? सी है। ये ममल्लापुरम नरसिम्हा वर्मन 2 है, 1 है। अजंता में अजंता क्यों अजंता गलत है? आई आई थिंक स्कल्पचर नहीं थे ना वहां पे, तो सारी पेंटिंग, अच्छा सॉरी ग्रैंड इमेजेस लेकिन थी वहां पे। इमेज है ना। नहीं, वो मैं ऊपर हेडिंग पढ़ रहा था फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर, और फिर मैं नीचे देखा कि नीचे ऑप्शन में उसने ग्रैंड इमेज लिखा। हाँ, तो वो चीज करेक्ट है। हाँ, लेकिन महापरिनिर्वाण और कहीं पे तो नहीं है ना? इमीडिएटली वी हैव टू गो टू अजंता ओनली, राइट? इज देयर एनी अदर प्लेस जहाँ पे बुद्धा महापरिनिर्वाण है? आई गेस होना तो चाहिए, महापरिनिर्वाण इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज, तो इमेजेस जरूर होंगी, लेकिन अजंता से रिलेटेड है ना, तो उस सेंस में दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं बोल रहे कि ओनली इमेज है यहीं पे। राइट। एंड वराह वाला शायद हमने रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था, वराह का इनकारनेशन जो था पूरा बना रखा था, किसी को ये याद है साउथ क्या? में हमने पढ़ा था आई थिंक, एलोरा में है शायद ये। अच्छा हाँ, एलोरा में हिंदू टेम्पल, हिंदू केव्स थी तो प्रॉब्ली वहां हो सकता है। ठीक है, तो आंसर जो था करेंट थ्री। माउंट आबू का जैन टेम्पल, उसके अलावा भी कुछ है क्या वहाँ? हाँ, आई गेस टेम्पल्स तो और भी है, हिंदू टेम्पल्स भी हैं वहां पर, हाँ, बट दिलवाड़ा। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा इज द मोस्ट फेमस टेम्पल, पूरा व्हाइट मार्बल से बना है। तो ये देख लेना, ये क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर के इस टाइप से कि मंदिर कहाँ था, स्कल्पचर कहाँ था, इमेज कहाँ था। ठीक है, तो थीम इम्पोर्टेंट है, रैंडम क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता तो एक बार देख लेने का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। ये बताओ कौन सा होगा? धोलावीरा। धोलावीरा किस रिवर के बैंक में था? साबरमती था क्या? नहीं, सरस्वती है। और धोलावीरा, अच्छा धोलावीरा सॉरी, ये गुजरात में ना, ये आइलैंड सिटी है, ठीक है, सिटी भी नहीं लेकिन आइलैंड साइट है। बाकी सारे जितने भी साइट्स है ज्यादा साइट्स रिवर बैंक्स पे मिलते हैं लेकिन ये आइलैंड वाला है, ठीक है, तो ये याद रखना। व्हेन यू सेड सरस्वती ना, लूनी रिवर पर है। लूनी, हाँ मैप से शायद ये लूनी रिवर के आसपास मैप होगा क्योंकि साबरमती समवेयर ये एकदम सेंटर में से होता हुआ जाता है एंड ये थोड़ा धोलावीरा इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कच्छ की तरफ। आई थिंक इस मैप के थ्रू और भी साइट्स देख सकते हो, तो साइट्स बिलोंग टू इंडस सिविलाइजेशन, धोलावीरा हो गया, सुरकोटाडा हो गया, यहाँ पे विजिबल है ना सबको ये प्रॉपरली, और जूम करूँ इसको। विजिबल है संजय। तो एक बार लोकेशंस भी देख लो क्योंकि आई थिंक ये देशलपुर, रंगपुर, ये कई बार यूपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, तो देख लो। देशलपुर हो गया यहाँ पे, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया यहाँ पे, रंगपुर हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट थी। अभी आई गेस एक साइट है जिसको हम लोग एक कोई म्यूजियम भी बना रहे हैं वहां पर, देखो आइडिया है क्या कौन सा साइट पे बना रहे थे? लोथल। हाँ तो लोथल भी बना रहे हैं आई गेस, बजट 2020 वाला था उसमें डिक्लेयर किया था कि हम लोग इन साइट्स को म्यूजियम वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, तो वो था तो धोलावीरा भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक पूरा का पूरा स्लैब मिला है जिससे शायद राइटिंग का पता लगता है, ठीक है, तो राइटिंग जो था वो अनडिसाइफर्ड है बट उससे ये पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो बूस्ट ऑफ एडेस स्क्रिप्ट लिख रहे थे, यानी एक जगह राइट टू लेफ्ट लिख रहे थे और दूसरी जगह जस्ट उसका अपोजिट लिख रहे थे, तो इस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो ये देख लेना। हाँ योर जी, ऐसा करके कुछ था ना, वो कौन किरो योर, ओ जो आईवीसी से रिले सिमिलर साइट मिली है, मतलब ओ सॉरी कुछ मिला है वहाँ पे तमिलनाडु के आसपास, ओ आईवीसी की स्क्रिप्ट से सिमिलर थी। एक तो खिलाड़ी है तो खिलाड़ी की वजह से तो ऐसा लगता है कि शायद प्रॉब्ली वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास था, तो खिलाड़ी एक फेमस प्लेस है। बाकी हम नॉट श्योर। तो कंटिन्यू करूं? हाँ करो। ठीक है, तो धोलावीरा, तो एक बार अभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है यूपीएससी, तो किसने डिस्कवर किया था ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, तो ये जेपी जोशी और रविंद्र सिंह ने डिस्कवर किया था और ये आइलैंड सिटी है और लूनी रिवर पे बताया और मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स है, ठीक है, और थर्ड टू मिड सेकेंड मिलेनियम बीसी ये टाइम पीरियड है। और हमने देखा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा था, मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म देखने को मिलता है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल बरियल स्ट्रक्चर, और फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर विद इन सेवरल रिजर्वॉयर्स, ठीक है, और ये यहाँ के ड्रेन्स, डैम्स, टैंक्स ये सारे बहुत अच्छे थे। यहाँ हमें एक चीज देखने को मिलता है कि सिटाडेल और लोअर टाउन के अलावा एक मिडिल टाउन भी था यहाँ, ठीक है, और जो धोलावीरा में स्टोन्स यूज किए गए थे वो सर्कुलर थे, ठीक है, साइन बोर्ड जो संजय भी बतला रहे थे ना, तो वो साइन बोर्ड था, ये नीचे जो फोटो है ये साइन बोर्ड की पिक है, ठीक है, और हमें बहुत सारे साइट्स के बारे में पता है आईवीसी के, लेकिन सिर्फ 5 मेजर अर्बन साइट्स थे, ठीक है,
ये हरप्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, गनेरी वाला और राखीगढ़ी, ठीक है? तो तो आप टोटल यहाँ मतलब अभी ये ढोलेरा जो सॉरी ढोलावीरा जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। तो इंडिया से टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं अब? 40। हाँ करेक्ट, 40 हो गए हैं। तो इस सेंस में ढोलावीरा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देख लेना इसको। तो जैसा नीति ने बताया कि जो टाउन था उसके अंदर एक बीच में और था, मतलब यूजली हम देखते हैं एक सिटाडेल होता था और एक कॉमनर्स के लिए प्लेस होता था, तो टू टू मतलब दो पार्टीशन रहता था सिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे तीन देखने को मिलता है, तो इस सेंस में इम्पोर्टेंट है। एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी पास करता है इससे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एंड वो जो आइलैंड बताया था अभी नीति ने, तो वो खादिर बेट आइलैंड जो है, खादिर बेट आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये लोकेटेड है। एंड वहाँ पे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। Also, एक और फैक्ट, मतलब आईवीसी के तीन फेजेस थे ना, तो डोलावीरा तीनों फेजेस में था। ऐसा एक ही साइट है प्रोबेबली जिसमें जो तीनों फेज में था। हाँ, प्री हरप्पन से लेट हरप्पन तक। एंड बाकी रिवर का याद रख लेना, रिवर वाला जो पार्ट था तो रिवर सरस्वती था वो ड्राई अप हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब डायरेक्टली ये तो नहीं बोलेगा कि सरस्वती रिवर थी, बट वो ऐसा बोल देगा कि मिथिकल रिवर माना जाता है कि सरस्वती यहाँ से फ्लो करती थी, तो वो चीज़ करेक्ट है कि हाँ वहाँ से फ्लो करती थी, ठीक है। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, क्योंकि ढोलावीरा से ये सिलेक्ट हुआ है, तो गुजरात में कुछ और भी यूनेस्को साइट्स हैं, तो कोई उनके नाम बता सकता है क्या? रानी की वाव, करेक्ट, रानी की वाव। रानी की वाव जो है वो एक बैंक नोट के ऊपर बना हुआ है, वो बता सकता है वो कौन से बैंक नोट के ऊपर है रानी की दस वाव? रुपए नहीं, ना सस्ता नहीं है। हाँ ₹100 करेक्ट, 100 रुपीज जो नोट है अभी जो करंट वाला आ रहा है पर्पल, तो उसके पीछे देखोगे ना तो वो रानी की वाव उसके पीछे बना हुआ है, तो उस सेंस में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद पुरानी जो हिस्टोरिक सिटी थी ना, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और चंपानेर और पावागढ़, पावागढ़ किस चीज के लिए फेमस है? तो पावागढ़ जो हाईएस्ट पीक पे है, ठीक है, गुजरात के अंदर, तो ये चीज याद रखना। तो ये तीन यूनेस्को की साइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अब ये चौथा है एडिशन ही गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये था। इसमें कुछ ऐड करना है क्या दीदी? नहीं, हो गया। ये याद रख रहा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मोहनजोदारो और धोलावीरा दो साइट्स हैं, ठीक है? ये तमिलनाडु साइट्स हम कह रहे थे ना, तो इट इज इन एंड अराउंड कीलड़ी ओनली। उसमें मतलब और दो प्लेसेस है, एक है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा आदिचनल्लूर। आदिचनल्लूर हम लोग इसमें भी हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सो बस शिवगंगा एंड आदिचनल्लूर, तो दीज आर इन एंड अराउंड कीलड़ी ओनली। आई थिंक आदिचनल्लूर शायद उसमें पढ़ते ना, जो पहले थी बिफोर आईवीसी जो हैबिटेशन करेक्ट करेक्ट देखने को करेक्ट मिलते हैं। ठीक करेक्ट, नियोलिथिक साइट्स में पढ़ते हैं शायद। हाँ, राइट, नियोलिथिक, तो याद रखना आदिचनल्लूर, खिलाड़ी टोटल तमिल। 7 साइट्स में हो रहे हैं ये एक्सकवेशंस। बाकी आई डोंट नो इफ इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, लेकिन ये तीनों शायद इम्पोर्टेंट हैं। बाकी बस पढ़ लेती हूँ। एक गंगाईकोंड चोलापुरम में भी हो रही है, एंड कोरकाई, एंड देर इज तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट। तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो नीति इसमें कुछ ऐड करना है कालीबंगन वाले पार्ट में? नहीं, कालीबंगन तो ऐसे ही ऑप्शंस के मैंने वो दे दिए हैं, और देख लेना, एक एक घोष है, बस फायर ऑल्टर्स मिले हैं, बाकी हम पढ़ते ही हैं।
है, बोन्स ऑफ कैमल्स है, अर्थक्वेक का वो मिलता है, ठीक है, एविडेंस मिलता है हमें ये। और टाइल्ड फ्लोर है कालीबंगन में, प्लाउ फील्ड मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि राइस कल्टीवेशन होता था। और कालीबंगन में ब्रिक्स जो मिले हैं वो मिट्टी के हैं, ठीक है, तो वो जैसे बर्न ब्रिक्स यूज करते थे कुछ लोग, तो ये वो वहां नहीं है, तो इससे पता चलता है कि थोड़ा नॉट सो वेल डेवलप्ड था, ये याद रखना। राखी गढ़ी वही घाघरा, हाँ घग्गर हाकरा, तो हाकरा रिवर को ही सरस्वती भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ डीएनए रिपोर्ट ऑफ रिमेन्स एविडेंस एंड स्केलेटन फाउंड इन एक्सकवेशन एट राखी गढ़ी, ठीक है, और लोथल में भी, जिलन में और नुजत में। नुजत पता नहीं कहाँ है, ये मुझे नहीं मिला, जिलन गुजरात में ही है। और बस यही है। और अभी एक नया ये जो लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स राखी गढ़ी के बारे में, ये किसी अभी हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि जो थ्योरी है कि आर्यन इन्वेजन की वजह से आईवीसी का डिक्लाइन हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब मोस्टली रिसर्च वर्क जनरली वो पूछता नहीं है क्योंकि कोई इतना हाँ, स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता कॉन्क्रीट कि, नहीं। हाँ तो वो पूछता नहीं है, बट एक बार ये नजरों के सामने होना चाहिए कि ऐसा इसलिए न्यूज में था, तो प्रॉब्ली इस सेंस में सवाल हो सकता है कि राखी गढ़ी के बारे में पूछ। नेक्स्ट रोपड़ था, तो रोपड़ पंजाब में है, सबको पता ही है, बैंक्स है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग बरीड विद ह्यूमन बरियल एक यूनिक फीचर मिला था, एंड वाईडी शर्मा 1955 में इज कंसीडर्ड टू हैव डिस्कवर्ड दिस साइट, ठीक है। तो दिस इज द तो हाँ, प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन। राखी गढ़ी का वो याद रखना कि एक जर्नल है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जीनोमिक जर्नल, उसमें राखी गढ़ी का वो है, ठीक है। ठीक है, और ये तो PYQs देख लेते हैं कुछ जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये देख लो 2019 में, अभी एक दो साइट्स हमने देखी उनसे ही सवाल था। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट, तो चांद उदारो, कोट डिजी, सोहगौरा और देसलपुर, तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें आंसर? सो गौरा राइट, तो देसलपुर अभी हमने देखा वो गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, ये यहाँ पे देसलपुर है। कोट डिजी कहाँ पे, इंडिया में क्या? ये नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में। हाँ तो लोकेशन देख लो, क्योंकि इस टाइप के सवाल वापस पूछ सकता है कि ये कहाँ कहाँ था। तो ये कोट डीजी आई गेस देख पा रहे हो, ये टेक के अभी तो कोट डीजी था, इंडस रिवर पे ही लोकेटेड था, मोहनजोदड़ो के नियर बाय था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट साइट अमरी है, अमरी अगेन पाकिस्तान में है, ठीक है, तो उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। एक हम मेहरगढ़ पढ़ते हैं, ठीक है, ये रहा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें राइस कल्टिवेशन के भी मिलते हैं सबूत, इसके साथ साथ कॉटन के भी सबूत मिलते हैं, ठीक है। और ये अर्लीस्ट जो हम कहते हैं ना कि साइट जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करने से पहले से लोग रह रहे थे, तो उसमें मेहरगढ़ का भी नाम आता है, ठीक है। एंड और तो क्या है, किसी को और कुछ इम्पोर्टेंट साइट लग रही है जो डिस्कस करनी चाहिए? ठीक है, तो बाकी साइट देख लो। नॉर्दर्न मस्ट कौन सी है इन IVC? मांडा ना, मांडा, मांडा, हाँ हाँ करेक्ट है, J&K के सदर्न मोस्ट। दाइमाबाद, दाइमाबाद, महाराष्ट्र ईस्टर्न मोस्ट, आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, करेक्ट, और वेस्टर्न मोस्ट सुतका गिंडोर, ये रहा सबका गेंडोर, पाकिस्तान। ईरान बॉर्डर सुरक्षा, पड़ता है वो, आई थिंक। हाँ मतलब ईरान के करेक्ट बॉर्डर है। पे है लेकिन है शायद पाकिस्तान में हो। और एंड लार्जेस्ट कौन सी है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, हाँ, ये सोहगौरा बहुत, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में है ये ऑप्शंस, ठीक है, तो ये इसका कोई बता सकता है क्या? आई थिंक ये यूपी में है। हाँ, यूपी में तो है ये, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली थी यहाँ।
ये प्री अशोकन पीरियड के टाइम का है। ये वो सती वाली है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। चलो ठीक है, इसको ये बार देख लेना, अगर मल्टीपल टाइम्स पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है हमारे। हाँ। हाँ। वो हिरण थी, ये सुहाग वाला स्क्रिप्ट है, वो यूपी में है, और जब वो हमाइन आया था ना, वो लिखा है राइटिंग्स ऑन हमाइन कंडीशन, सुहागोराम। सुहागोराम ओके। वो सती का था ना, वो ईरान था, ईरान इंस्क्रिप्शन, गुप्ता पीरियड के टाइम स्टार्ट हो गई थी ना वो। लैंग्वेज देख लो, प्राकृत है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। राप्ती रिवर ये याद रखना, बैंक्स ऑफ राप्ती रिवर। राप्ती रिवर कौन सा हुआ? तो ये देख लो, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला था, ठीक है, प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो ये राप्ती रिवर पे है, गोरखपुर के आसपास, ठीक है। तो इसमें प्री अशोकन टाइम पीरियड का जो रिमेन्स है वो कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो यही था आई गेस इम्पोर्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग characterize or characterize the people of Indus Valley civilization. First, they possess great palaces, temples. Second, they worship both male and female deity. Third, they employed horse drawn chariot. So kya mark karna chahiye isme? Only two. Acha, one and three are false. Haan, correct. Horse ke remains milte hain, lekin wo bhi pata nahi horse hai, onager kehta hai, matlab UPSC ne onager bola. बुक्स उसको ऑनेजर बोलते हैं, तो उस सेंस में वो चीज सही है कि फर्स्ट गलत था, थर्ड गलत था, तो वी लेफ्ट विद ओनली टू, ठीक है। एंड वो चीज सही है, मदर गॉडेस के हमें मिलते हैं एंड पशुपतिनाथ स्टील मिलता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं प्रॉब्ली मेल डाइटी भी होते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2011 का सवाल था। सो फर्स्ट, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। सेकेंड, ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। और दूसरा कॉटन जरूर था, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेट हाइट का एक बियर्डेड मैन भी देखा था जिसने शॉल पहना हुआ था, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि हाँ वो था, प्लस हमें मेहरगढ़ और इन साइड से रिमेन्स भी मिले कॉटन। नेक्स्ट चलते हैं, तो मैच करना था लिस्ट वन विद लिस्ट टू, तो ये साइट्स दी हुई थी। तो देख लो, ये एक थीम रहा है आईवीसी से कि हर दो तीन साल में ऐसा वो लोकेशन डाल देगा, और फिर या तो ऐसा पूछ लेगा कि कहाँ पे है, या ऐसा डाल देगा कि इसमें से क्या रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखो, लिस्ट वन जो था एंशियंट साइट था लोथल, कालीबंगन, डोलावीरा, बनवाली। तो एक एक करके मैच करते हैं, तो बताना कौन किसके साथ मैच करता है। कालीबंगन, धोलावीरा, ये अभी डिस्कस किया था, इंस्क्रिप्शन मिला है, हाँ करेक्ट, और बनवाली से मिला है ये टेराकोटा रेप्लिका ऑफ, ठीक है। तो ये थीम है, याद रख लेना कि क्या क्या साइट्स पे क्या क्या रिमेन्स मिला है, तो सेंस में आंसर जो था वो बी हो जाना था, तो सिंपल ही था। बनवाली राजस्थान में है क्या? हरियाणा में, राखीगढ़ी और मतलब ये दो इम्पोर्टेंट साइट ही है हरियाणा में, बनवाली और राखीगढ़ी, ऐसा करके याद रखो। आल्सो हाँ सॉरी दीप्ति, कहना था कि कालीबंगन में प्लाव मिला और रेप्लिका प्लाव बनवाली में मिला था, टेराकोटा है, ठीक है, टेराकोटा। बट लोथल में राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले थे ना, तो प्लॉ वहां पे भी होगा शायद। हाँ, राइस हस्क मिले थे वहां, तो उससे पता चलता है कि राइस कल्टीवेशन थी। लॉर्ड फील्ड का जो डायरेक्ट रेफरेंस है ना, वो कालीबंगन में मिलता है, मतलब ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि हाँ राइस मिला तो खेती होता होगा, लेकिन जो एक्चुअल प्लॉट फील्ड के जो
मिले हैं ना रिमेन, वो कालीबंगन से मिले हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2001 का था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द टेरा कोटा सील्स आर्ट ऑफ हरप्पन स्कल्पचर्स। तो एलिफेंट, काउ, राइनोसोरस, टाइगर, क्या नहीं मिला? काउ। काउ नहीं मिला था, ऑल्दो बुल जरूर प्रेजेंट था। ठीक है, बुल के कई वो मिले थे। हाँ, अभी हमने वहां भी देखा ना, चार्जिंग बुल मिला था ये कालीबंगन वाले। हाँ, टेराकोटा बुल भी मिला था एक, बाकी सील्स में भी था। नेक्स्ट ये बता रहा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो हरप्पन सिविलाइजेशन, प्रिंटेड ग्रेवेयर, कुशाना गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल्स अजंता पेंटिंग, एंड डी मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो हाँ करेक्ट, ये तो सबको ही पता है कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो कुशाना से रिलेटेड था, मुगल से, मुगल का अपना खुद का था, अजंता से कोई लेना देना नहीं था, मराठा का पहाड़ी स्कूल से कोई लेना देना नहीं था। इट वॉज सॉर्ट ऑफ एंसिलरी, मतलब मुगल जब डिक्लाइन किया आर्ट एंड आर्ट, या जो पेंटिंग का डिक्लाइन किया, तब ये पहाड़ी स्कूल बने थे। तो हरप्पा में ये पेंटेड ग्रेवर नहीं था, तो क्या था यहाँ पे, इसकी जगह करेक्ट क्या होता? रेड एंड ब्लैक, राइट। तो पोल्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, तीन ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, पेंटेड ग्रेवर कहाँ मिलता है? लेटर वैदिक में। वैदिक बुद्धों में क्या मिला था? ब्लैकवेयर, पेंटेड ब्लैकवेयर। क्या बुद्धा, मतलब बुद्धा के टाइम पेंटेड ब्लैकवेयर मिला होगा ना? करेक्ट। और हाँ, सेंट्रल एशियन के टाइम तो रेडवेयर। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है? नीति? नहीं, मेरी तरफ से नहीं करना है, किसी और को करना है तो बता दो जल्दी। ठीक है, चलते हैं, तो ये रहने देते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये तो From the decline of Guptas until the rise of Harshvardha in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? पूछ रहे हैं। तो बहुत छोटा time period है Guptas के end का और Harshvardhana के rise का, लेकिन उसके time का पूछा है कि कौन कौन से वो थे kingdoms थे। Answer बताओ। ये परमराज बहुत late आए थे ना Harshvardhana के बाद। I think two eliminate कर सकते हैं। हाँ, टू एलिमिनेट यादवास भी लेट आए थे मेडिवल में थे। और ये कह रहा है ना नॉर्दर्न इंडिया कह रहा है ना, तो यादव देवगिरी हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है, औरंगाबाद के आसपास है, तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता है बाय दैट लॉजिक। सो वी विल कम टू बी, बी होगा आंसर इसका। हाँ, 1, 3, 4 एंड 6। तो ये राइट में करना संजय। हाँ, तो ये डिक्लाइन ऑफ गुप्ता किंगडम 6th सेंचुरी में, 550 में ये डिक्लाइन हो गया था, उसके बाद फिर 620 या 30 के आसपास हर्षा आया। तो उस शॉर्ट स्पैन में जितना वो है उनके किंगडम्स के बारे में पूछा गया है। तो नए किंगडम्स में ये मुखारीज, हूनास और फिर लेटर मगधन गुप्तास, उसके अलावा पुष्यभूतीस, गौडास, वर्मन, हाँ वर्मन्स और मैत्रकाज हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम है लेकिन ध्यान में रखना। और पुष्यभूतीस, हर्षवर्धन जो हर्षा थे वो पुष्यभूति किंगडम से आते, लेकिन क्योंकि उनके राइज के पहले भी पुष्यभूति थे, तो इसलिए पुष्यभूति भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, आंसर में तो इनका है, ये पूरा पढ़ना है क्या? जो आपको इम्पोर्टेंट लगे पढ़ना हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है लिखा हुआ है तो। हाँ ठीक है, तो ये यशोधर्मन थे। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा ये
पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग रूलर थे. उसके बाद मुखारीज आए, ये ओल्ड रॉयल फैमिली था. तो पतंजलि जो हम जानते हैं योग आयुर्वेदा, तो मुखारीज फैमिली से आते हैं, ठीक है. और फिर ये कुछ कुछ एपिग्राफ्स मिले हैं जिसमें यज्ञ वर्मन, शार्दुल वंश और अनंत वर्मन एविडेंस मिलते हैं. और कहा जाता है कि क्यों ये लोग सामंता थे, इनके पास सामंत का टाइटल था, इसलिए गुप्ता के सुजरेंटी में ही रहे होंगे. नीचे करो. ये बराबर और नागार्जुनी केव्स जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में अभी करंटली? बिहार. राइट. एंड ये सारे जो नागार्जुनी और बराबर केव्स हैं ये अशोका के टाइम पे बने थे? ट्रू और फॉल्स? नहीं. करेक्ट. तो कुछ अशोका के टाइम पे बने थे, बाकी कुछ उसके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने बनाए थे. तो इसमें याद रखना आजीविका सेक्ट जो था उसको दिए गए थे मोस्ट ऑफ दीस केव्स के अंदर जो रेजिडेंस थे, ठीक है. तो उसमें लोमस ऋषि और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हम केव्स पढ़ते हैं, ठीक है. तो वो ये अशोका से पहले बने थे या अशोका के बाद? अजंता तो एक्चुअली 1 BC से हम पढ़ते हैं. हाँ, अजंता जो है वो हम लोग 1 BC से पढ़ते हैं. लेकिन क्योंकि ये लिखा हुआ था, हमने रीड भी किया था कि बराबर में कुछ केव्स जो थे अशोका ने बनाई थी, तो प्रॉब्ली उसके टाइम पीरियड से सिनोनिमस है. ओके. बराबर और नागार्जुन अशोका ने बनाए थे, और फिर उसके बाद उसके ग्रैंडसन ने भी वहां पर डेवलपमेंट किया था दशरथ. हाँ, तो नागार्जुनी वाली जो है ना वो ज्यादातर केव वो दशरथ ने बनाई थी, तो ऐसा पूछ सकता है कि केवल अशोका ने बनाई थी, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है. उसके सक्सेसर्स ने भी यहाँ पे बनाई थी. एंड ये मोस्टली ये जो केव्स थे, जो आजीविका सेक्टर ना जो फेटलिज्म पे बिलीव करता है कि सब कुछ नियतिवाद कह सकते हैं एक तरीके से, कि बस सब कुछ फिक्स्ड है, तो उस सेक्ट को दिया था, ठीक. यस नीति. ठीक. हाँ ठीक है. तो मुखारीज हैं ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को मानते थे, ठीक है. और फिर इन लोगों ने हुनास के इन्वेजन को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया था गुप्ता के अलावा. तो क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया था, तो बाद में जो हर्षा आए वो इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे. और लेटर गुप्तास और मगधन गुप्तास, तो ये BC वाले से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये लेटर मगधन की बात कर रहे हैं. तो एल बाशम कहते हैं इनके बारे में कि सरनेम से मतलब उनकी जीनोलॉजी को मत ट्रैक करना, क्योंकि ये बिहार और कुछ पार्ट्स के उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में इन्होंने रूल किया था, ठीक है. और अपशद एपिग्राफ है उसमें आदित्य सेना का नाम मेंशन है. और कुछ कुछ ये रूलर्स के नाम दिए हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है. नीचे करना, ठीक है. बाकी तो आई थिंक रीड ही कर लेंगे, वो ठीक रहेगा, है ना. हाँ. तो ये देख लेना गाइस, आजकल थोड़ा मिडिवल पार्ट से स्पेसिफिक, मतलब पोस्ट गुप्ता या गुप्ता से आगे भी वो डायनेस्टीज पूछ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा उसको देख लेना, ठीक है. ये 7th century का है उसका वो है, ठीक है. तो ये देख लेना ये कौन कौन थे मैप में उस टाइम पीरियड में. अच्छा, ओके. हाँ, ये परमारा और यादव जो थे उनके बारे में ये थोड़ा सा यहाँ राइटअप है, तो इसको भी देख सकते हो, ऑल्दो ये बुक में भी मिल जाएगा आप लोगों को. और ये मैप के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी डायनेस्टी थी वो डोमिनेट कर रही थी, ठीक है. तो ये थोड़ा कंटेम्प्रेरीज कई बार पूछ लेता, जैसे एक सवाल था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसके बीच में चल रहा था, तो ये पता होता कि हाँ ऐसा मैप अगर आपके पास है जहाँ पे ये पता रहता कि हाँ ये कंटेम्प्रेरीज थे, लाइक उस सवाल में शायद राष्ट्रकूटा चालुक क्या था, इनसे पल्लवास थे, राइट. पाला थे ना, और प्रतिहारा पाला वो नॉर्थ साइड में था. हाँ, पाला प्रतिहारा एंड गुर्जर थे क्या? हाँ. तो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे ना. हाँ, कन्नौज के लिए लड़ रहे थे. तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट थीम बन गया इस टाइप से. तो कंटेम्प्रेरीज कौन कौन होते हैं तो वो भी एक बार देख लेना चाहिए, ये डायनेस्टी के साथ कौन कौन थे, ठीक है. तो
ये क्वेश्चन था मिडिवल से, थोड़ा सा कह सकते हैं तो थोड़ा नीच था कि अगर स्पेसिफिकली आपने ये पार्ट नहीं पढ़ रखा तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको. राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. हाँ, तो ये पोर्चुगीज राइटर्स नूनेंस के बारे में कह रहा है, विजयनगर एम्पायर में विमेन का क्या स्टेटस था अकॉर्डिंग टू नूनेंस. तो यही किस में किस पे इन्वॉल्व थे, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथ सेइंग. तो इसका आंसर बताना. हाँ मतलब इसमें थोड़ा ये है कि नहीं पता होता ना गेस वर्क से ये डेफिनेटली गलत हो जाता, क्योंकि यूजली जितने लोगों से मैंने बात करी थी सबने रेसलिंग इलिमिनेट किया था, बट रेसलिंग करेक्ट करेक्ट. वाज अ पार्ट ऑफ इट. तो हाँ, मैंने यहाँ भी पे गेस, रेस्ट एलिमिनेट किया चलिए था. हाँ. तो इस सेंस में उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये वो डाल रहे ताकि वो कंफ्यूज हो जाए. तो रेसलिंग पार्ट था उसका, एंड प्रॉब्ली अकाउंटिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व थे ना, राइट? हाँ, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं. मतलब मैंने तमिलनाडु के एनसीईआरटी, मतलब तमिलनाडु बोर्ड के बुक में देखा मेडिवल का, अपने एनसीईआरटी में देखा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है. तो ये मुझे शायद जितना मिला नई मैंने ये डाल दिया नई वाली एनसीईआरटी में है शायद ये चीज लिखा है. हुआ. नहीं, मैंने देखा उसमें जो फॉरेन ट्रेवलर्स के वो अकाउंट्स थे उसमें, तो नूनियंस का फॉरेन नहीं ट्रैवलर्स दिया. अकाउंट्स में नहीं, मतलब एटलीस्ट इतना तो लिखा रहता था कि विमेन स्टेटस था विजयनगर एम्पायर में, तो हाँ, उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं ठीक है. हाँ, एंड एडुकेटेड भी थे तो अकाउंटिंग ये सब करते थे, सूथ सेइंग भी था, बट देन हाँ एक रेसलिंग के इसमें रेसलिंग तो कहीं नहीं मेंशनड है, बट और ये अदर्स लॉजिक आई के लिए भी हम लोग डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस सती और पॉलीगेमी वगैरह बहुत थी उस टाइम में. तो कुछ देवदासी है सिस्टम में. क्या? हाँ सूट मतलब सेइंग मतलब भविष्यवाणी है क्या? नहीं, अच्छे से बात करना. नहीं, वो क्या वैसा है है सूट क्या? सेइंग? भविष्यवाणी है ना ये सूट सेइंग? भविष्यवाणी है. आई थिंक मुझे, मैंने हिंदी देखा था उसमें ऐसा कुछ करके ओ था, मुझे भविष्यवाणी याद आ रहा है हाँ, अभी. ऐसा ही कुछ होगा, नहीं तो अच्छे से बात करने में तो फिर वो सेम मुझे ही होता होगा. तो लगा ठीक है, हाँ मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे भविष्यवाणी में. मतलब ठीक ठीक है. है. तो ये कुछ पार्ट्स जितना मुझे मिला वेमेन के बारे में वो मैंने डाल दिया है. ठीक है, तो उसमें कहता है मतलब सिल्क, कॉटन. एक बार संजय थोड़ा राइट करना, वो आया नहीं है क्या वो बाकी सारा इसके जो राइट में है वो नहीं मैम, नहीं आया है, नहीं आया है? नहीं आया है. ये इसके आगे भी क्वेश्चन किया जाएगा आपने, 35 के आगे. क्या है ना, मुझे भी दिक्कत हो रही है सिंक करने में, पता नहीं सिंक नहीं हो रहा था. अच्छा ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं. दीप्ति आपके वाले पार्ट पे कर लेंगे रिज्यूम. ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी. अभी दीप्ति वाले पार्ट पे रिज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, आपके वाला पार्ट कंप्लीट नहीं है तो, है ना? हाँ ठीक है. एक और एक है, वो क्या कहते हैं जो सेंट फ्रांसिस जेवियर का है, उसमें कुछ नहीं है, वो देख लेते हैं. अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 39. ऑप्शन से, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेस्यूट ऑर्डर. सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर. द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर. तो क्या मार्क करना है इसका आंसर? मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट पता था, एंड आई फेल्ट मतलब ये उस टाइम न्यूज़ में भी था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन आई कुड नॉट एलिमिनेट आफ्टर दैट. इवन मुझे भी नहीं पता था. मैंने घर आके पूछा तो पता चला कि चाइना में डे थे. अच्छा ठीक है, बता दो नीति इसके बारे में और कुछ. नीति माइक ऑफ है.
देख लो, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज अ वेनरेटेड सेंट, ठीक है, कैथलिक मिशनरी थे, वॉज द को फाउंडर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है, एंड ही बिलोंग टू द किंगडम ऑफ नेवरे विच इज प्रेजेंट डे स्पेन, ठीक है, तो स्पेन से आया ऐसा समझ लेना. एंड ही लेड एन एक्सटेंसिव मिशन इन टू एशिया, मेनली इन टू पोर्टुगीज एम्पायर ऑफ टाइम, एंड ही वॉज इन एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन इवेंजलाइजेशन वर्क. ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें ये वर्ल्ड के अक्रॉस घूमने का, तो ये पोर्टुगीज और स्पेनिश ने ही चालू किया था. ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में ये चीज बोला गया था कि ये एक उन्होंने इमेजिनरी लाइन बना दी थी, एंड उस इमेजिनरी लाइन के वेस्ट में, जहाँ पे आज का प्रेजेंट डे ब्राजील हो गया या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया वो पड़ता है, वो स्पेन के कंट्रोल में होगा, और उसका राइट साइड यानी जहाँ पे पूरा एशिया अफ्रीका ये वाला पार्ट जो है ये पोर्टुगीज के कंट्रोल में होगा. तो ये जो क्रिश्चियन चर्च था, कैथलिक चर्च था, उसने ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस दोनों के बीच में साइन कराया था. ठीक है, तो यही एक इन्फ्लुएंस था कि क्यों ये जो मिशनरी एक्टिविटीज थे ये पोर्टुगल से इंडिया में आए थे. ठीक है, क्योंकि वो एरिया डिवाइड कर दिया गया था, इसलिए पोर्टुगीज इस तरफ आए थे पहले. सो हिज वर्क वर ही वॉज आस्क्ड फॉर अ स्पेशल मिनिस्टर टू द किंग ऑफ पोर्टुगल हुज सोल ऑफिस वुड बी टू फर्दर क्रिश्चियनिटी इन गोवा. ठीक है, एक फोकस था कि क्रिश्चियनिटी गोवा में बढ़ाएंगे. सो ही ऑल्सो वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी टू वेंचर इन टू जापान बोर्नियो मलाकू आइलैंड. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट, इन दोज एरिया स्ट्रगलिंग टू लर्न द लोकल लैंग्वेज इन द फेस ऑफ अपोजिशन he had less success than he enjoyed in India. ठीक है, तो वहाँ दिक्कत होती, but India में अच्छा काम कर गए थे वो. Xavier was about to extend his missionary preaching to China when he died in Changing Island. ठीक है, so ये था कि he died in China, not in Goa. ठीक है, so known as Apostle of Indies and Apostle of Japan, he is considered to be the one of the greatest missionaries since Paul the Apostle. ठीक है, so ऐसा बोला जाता है कि ना जब ऑपरेशन विजय हुआ था, जहाँ जिसके थ्रू पोर्टुगीज को भगाया गया था, तो लास्ट उधर के जो आई गेस सालाजार करके जो पीएम थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ से ये जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है, इनके जो रिमेन्स है वो भी उठा के ले आओ, शायद है यहाँ पे चर्च में. तो उस टाइम के जो गवर्नर थे इंडिया के अंदर गोवा के, उन्होंने मना कर दिया था. ठीक है, तो अभी भी एक इम्पोर्टेंट साइट इसलिए बना हुआ है. सो सेकेंड वॉज रॉन्ग एंड आंसर जो था वो सी हो जाना था. ठीक है, तो इतना ही था इसमें. ऑलराइट, नेक्स्ट दीप्ति आपके पार्ट पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कस करना है ना. एक्चुअली आई थिंक बहुत सारी चीजें सिंक नहीं हुआ है. ठीक है, जहां पे हुआ है विल गो थ्रू दोस. ठीक है, 23, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स. हेडजॉग, मार्मट एंड पैंगोलिन. टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल up, matlab they roll themselves to protect themselves from vulnerable parts. So to protect their vulnerable parts. So kya hona chahiye iska answer? Answer jo tha iska hedgehog aur pangolin hona chahiye tha. Marmot I think kal last time Shaddi ne cover kiya tha. So marmot jo tha wo thoda sa mota chuhe jaisa janwar hota hai, to uske paas wo ability nahi hai roll over karne ki. If you have seen the animals padhte waqt, only then you can answer these questions. So isme wahi hedgehog and pangolin, they have like, you know, outer part, hard outer parts. Pangolin ka bhi to ek bar pictures dekh lena, so that it shrinks like this. This is hedgehog aur niche pangolin ka bhi ek bar dikha dena Sanjay. Roll itself like this. So ये outer part, hard outer shell है. तो एक बार पढ़ लेते हैं hedgehog and pangolin के बारे में. तो hedgehog is an insect. हाँ, ये insectivorous mammal है. Subfamily of ये Arachnida. Guys, हाँ, Arachnida है. राइट, ठीक है. तो सब फैमिली ऑफ एरेक्नेडा है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे हैव शॉर्ट लिम्स एंड बॉडी, लो बॉडी. मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इज थाउजेंड्स ऑफ स्टिफ शार्प थॉर्न्स. इसके थॉर्न्स
एंड दे कवर द इट्स बैक एंड साइड्स, ये शार्प थॉर्न्स हैं. फिर ये नॉक्टर्नल मैमल्स है, दे यूजुअली गो इन टू बरोज एंड स्लीप कंटिन्यूअसली फॉर 2 months टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. दे डोंट डिग मच बट इंस्टेड यूज बरोज प्रीवियसली डग बाय अदर मैमल्स लाइक पैंगोलिन्स. तो इससे ये पता चलता है कि पैंगोलिन्स भी लिव इन बरोज. तो द बरोज डग बाय पैंगोलिन्स आर यूज बाय हेजहॉग्स. फिर डायट ऑफ हेजहॉग्स कैन ईट 1/3 ऑफ देयर बॉडी वेट इन 1 night. तो ऑब्वियसली ये हाइबरनेशन में जाते हैं तो दे हैव टू ईट मच, तो उसका बॉडी का 1/3 वेट खा जाती है एक साथ. देयर फेवरेट फूड आर इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, स्लग्स. इट मेक्स देम अ वेलकम गेस्ट इन मेनी सबर्बन गार्डन्स एंड दे आर इवन केप्ट एज अ पेट. तो ये इसलिए आया है बिकॉज उस टाइम न्यूज में था कि तमिलनाडु में एक टाइप ऑफ हेजहॉग पाया गया है एंड दे आर प्लानिंग टू प्रोटेक्ट इट. सो स्पीशीज ऑफ हेजहॉग्स, तो 17 स्पीशीज ऑफ हेजहॉग्स है फाउंड थ्रू पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड. हाउएवर देयर आर नो हेजहॉग्स नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया. सो है मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी, बट नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. ठीक है. देन हेजहॉग स्पीशीज इन इंडिया, आउट ऑफ 17 3 आर फाउंड इन इंडिया. ठीक है. हाँ, सो 3 आर फाउंड इन इंडिया. क्या क्या है? इंडियन लॉन्ग ईयर्ड और कॉलर्ड हेजहॉग, इट्स नेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड इंडियन हेजहॉग, इट इज नेटिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान, मेनली लिव्स इन सैंडी डेजर्ट एरियाज बट कैन बी फाउंड इन अदर एनवायरमेंट्स ऑल्सो. तो ये वाला जो बेयर बेलीड और मद्रास हेजहॉग, इसके वजह से ये क्वेश्चन में आया है. इट इज डिस्कवर्ड इन 1851. दे आर कॉल्ड मुल एली. एली मीन्स रैट, मुल मीन्स थॉर्न्स. ठीक है. In Tamil Nadu, it is used as an ingredient in traditional medicine or in household remedies for cough and rheumatism. So, ye hai hedgehog ke bare mein. Then, we, coming to pangolin. Isme ek point out karna chahiye. So, ye yahan pe likha 2 months to reduce their metabolic activities. So, ye humne padha tha, is specific process ko kya bolte hain? Koi bata sakta hai? Hibernation, na? Nahi. हाइबरनेशन इज फॉर विंटर. ये तो इंडिया और सब में मिलता है, तो इट शुड नॉट बी वो करेक्ट. एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन समर में होता है. एस्टिवेशन होता है क्योंकि वो हीट टॉलरेट नहीं कर पाते, तो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, सो हैज टू बेयर दैट हीट. ठीक है. तो ये एस्टिवेशन होता है. हाँ, पैंगोलिन. Right. Then pangolin, they are scaly anteater mammals as they have large protective keratin scales covering their skin. They are all only known mammals with this feature. So mammals mein ye hard cover only pangolins mein milta hai. It uses these scales as armor to defend itself against predators by rolling into a ball when threatened. Insectivore hai ye. Pangolins are nocturnal and their diet consists of mainly ants and termites. फिर इंसेक्टिवोर्स, हाँ, पैंगोलिन्स आर नॉक्टर्नल. सॉरी सॉरी, ये एक बार डिलीट कर देना संजय, दोनों बार आ गया है इंसेक्टिवोर वाला पार्ट. हाँ. फिर हैबिटेट इसका, इंडियन पैंगोलिन का, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन. एरिड रीजन में नहीं मिलता ये, हाई हिमालयंस एंड नॉर्थ ईस्ट में मिलता है. स्पीशीज इज ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका. हाँ, इसका इंडेंजर्ड है. एंड चाइनीज पैंगोलिन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. सो चाइनीज पैंगोलिन इज फाउंड इन, मतलब चाइना के बॉर्डर, ऐसे ऐसे सोच सकते हैं. तो हिमालयन फुट हिल्स में, ईस्टर्न नेपाल में, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश एंड थ्रू सदर्न चाइना. ठीक है. एंड आई थिंक ये जो साइट्स का रिपोर्ट आता ना, उसमें ये मोस्ट स्मगल्ड एनिमल्स में आता है पैंगोलिन जो है. तो एक तो ये था, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर था, मैमल होने के बावजूद इसके स्केल्स हैं. यूजुअली स्केल्स हम फिशेज में या रैप्टाइल्स में देखते हैं, तो ये मैमल होने के बावजूद भी इसके अंदर है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन याद रख सकते, बेसिक बायोलॉजी है. एक्चुअली मैंने मामट के बारे में भी डाला है यहाँ पे, नथिंग सिंक नहीं हुआ.
डी ने डिस्कस भी किया था 2020 के पेपर में, किया था आई गेस, एक बार वहीं से देख लेते हैं, अभी तब तक शायद सिंक हो जाएगा, ट्राई करती हूँ अभी सिंक करने की। ठीक है, तो ये है क्यूट लिटिल एनिमल कॉल्ड मार्मेट। ठीक है, तो ये होता है, एंड अगेन ये भी वो हाइबरनेशन वाला जो पार्ट है ना उसमें होता है। तो मामद सर, क्योंकि देखो थिक कोट है, तो मामद सर वेल सुटेड फॉर कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड कोल्ड एनवायरनमेंट आ गया, और तो इसलिए हम लोग लिंक कर सकते हैं कि हाइबरनेशन करता होगा। ठीक है, सो वो चीज था। तो डायूरनल होते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड मोस्टली वेजिटेरियन, तो बरोज वगैरह जो है वो खोदते हैं उसके अंदर। सो दे आर मोस्टली हंटेड फॉर द मीट इन चाइना एंड मंगोलिया, वो चीज है, एंड मोस्टली फॉर देयर फर। ठीक है, तो फर भी इनका काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइबरनेशन वगैरह जो है वो हमने देखा था, ब्रूमेशन होता है। तो ब्रूमेशन इज सिमिलर टू हाइबरनेशन बट प्रैक्टिस ओनली बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ब्रूमेशन आएगा तो उसको लिंक करना है विद रेप्टाइल्स। एस्टिवेशन, अभी जस्ट हमने देखा कि हॉट पीरियड में वो अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, डायल डाउन कर देते हैं ताकि वो जो हार्श वेदर है उसको वेयर आउट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज डायापॉज। तो डायापॉज क्या होता है, ये अरेस्टेड ग्रोथ होता है, मतलब अपनी ग्रोथ बढ़ने नहीं देते, मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं। तो इंसेक्ट, माइट्स, क्रस्टेशियंस, तो ये बटरफ्लाइज जो है ये उसको कम कर देते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को, जिससे उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाए। ठीक है, ताकि वो जो हार्श क्लाइमेट होता है जिसके अंदर जो बॉडीली रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको कम कर दें, ताकि वो जो खाने पीने की जो कमी है उसको बेयर कर सके। ठीक है, तो ये था। ये मतलब तीनों स्पीशीज इसलिए है ऑप्शंस में बिकॉज तीनों न्यूज में थे तब। ये मार्मट इसलिए आया है क्योंकि मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग फैल रहा था बिकॉज ऑफ दीज मार्मट्स। तो ये देख लेना, दीप्ति ने इसमें वो क्यों लिंक न्यूज में था वो पार्ट भी लिंक किया। ठीक है, तो ये सारे स्पीशीज अगेन न्यूज में है, तो हो सकता है वापस पूछ लें। तो PYQs देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉरी 2008 का ये क्वेश्चन है। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नेक्स्ट श्रू एंड टपीर आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ मालाबार रीजन। तो मार्क करना था, मतलब इसमें बताना था कौन सा करेक्ट है, तो क्या मार्क करते इसमें? एनीवन? ठीक है, तो आई गेस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहां पे मिलता है, ये चीज करेक्ट है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट श्रू ट्रैपर आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ मालाबार रीजन, तो ये सही होगा क्या? हो सकता है ये है ओनली वन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हाँ ट्रैपर, तो आई थिंक हम, हाँ बोलो। हाँ श्रू टैपिर ये वेस्टर्न घाट्स एंड मतलब नहीं, और ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आंसर तो ओनली वन है। हाँ तो ट्रैपिर को देखते ही समझ जाओगे कि ये हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रैपिर है, ये थोड़ा सुअर और एलिफेंट का मिक्स है। ठीक है, तो आई गेस ये इंडिया में मिलता भी नहीं है जानवर, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे हर्बीवोरस मैमल्स सिमिलर टू पिग एंड फाउंड इन साउथ साउथ सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, विद वन स्पीशीज इनहेबिटिंग साउथ ईस्ट एशिया, तो इंडिया में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जस्ट टू बी श्योर, यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये ट्रैपियर, और होता तो ये जरूर, एटलीस्ट जानवर को तो नाम सुना होता। और श्रीयु जो होता है अगेन थोड़ा मार्मट और पैंगोलिन सबसे सिमिलर ही होता है, तो ये देख लो श्रीयु, ये रैट होता है छोटा सा। ठीक है, तो ये है, तो प्रॉब्ली श्रू की वैरायटीज मिल सकती है इंडिया में, बट श्रू बहुत वैरायटीज के होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये मिलता है, तो ये भी इंडिया में नहीं है। तो इस तरीके से वो कंफ्यूज करने का कोशिश किया था। तो अगर थोड़ा बहुत डिस्कवरी विस्कवरी देखा रहा होता, तो आई गेस शायद ट्रैपियर और इनको एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग। ठीक है, ऑलराइट, तो आंसर इसका ओनली वन था। राइट, नेक्स्ट पेज, एक्चुअली आंसर भी मैंने पेज किया है, पता नहीं नहीं आया। ठीक है, आई होप बाय टुमारो इट गेट्स रेक्टिफाइड। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया और व्हाट इज इट वेल नोन फॉर, तो भितरकनिका, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, डेजर्ट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, फिर एरविकुलम केरला, हूल ऑफ गिबन, तो इसमें क्या होगा आंसर? ट्राई कर रहा है क्या? ऑलराइट, तो देखो हूल ऑफ गिबन हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो हूल ऑफ गिबन के दो वेराइटीज है इंडिया के अंदर एंड दोनों ही है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो भी स्पेसिफिक ये असम और निकोबार, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, असम और जो नागालैंड वाला जो रीजन है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो दो होते हैं, एक वेस्टर्न हूल ऑफ गिबन होता है और एक ईस्टर्न हूल ऑफ गिबन होता है। तो इसको अपन ने याद करने का टेक्निक भी डिवाइस किया था कि जो वेस्टर्न हूल ऑफ गिबन है वो इंडिया में रह गया, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो जंगल कट रहे हैं, तो इस वजह से उन पे प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा एंडेंजर्ड हो गए, ठीक है? तो इसके कारण ये जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाता है, इंडियन हूल ऑफ गिबन या वेस्टर्न हूल ऑफ गिबन। और जो ईस्टर्न है, मतलब ऑल्दो वो इंडिया में मिलते हैं लेकिन ज्यादा पार्ट जो उसका इंडिया के बियॉन्ड है, मतलब म्यांमार वगैरह में, तो दोज आर वल्नरेबल, ठीक है? एंड इनका थोड़ा दीदार करना है तो फोटो दिखा देता हूँ, हूल ऑफ गिबन। तो एकदम इनके बारे में खास बात यह है कि ये इंडिया के अंदर ओनली प्राइमेट स्पीशीज, तो प्राइमेट को क्या होता है कोई वो बता सकता है क्या? हाउ आर प्राइमेट डिफरेंट फ्रॉम मंकीज? इवोल्यूशन इनसे हुआ है क्या, ह्यूमन? एवोल्यूशन तो मंकीज से भी हुआ है, बट प्राइमेट्स मतलब उनके कोई टेल नहीं होती एंड दे कैन स्टैंड ऑन देयर टू फीट, ठीक है? तो बीच पे तो कोई इमेज दिख नहीं रही यहाँ पे, तो देख लेना, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, ये एक आर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है? तो इतना लंबा पूरा हाथ होता है इसका और आसाम वगैरह में मिलता है। तो ये हूल ऑफ गिबन दो टाइप के होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न वाला ज्यादा इंडेंजर्ड है, ठीक है? और जो ईस्टर्न वाला है वो वल्नरेबल है, तो इस सेंस में एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड को। थर्ड को एलिमिनेट करते तो भी आंसर नहीं आता, वी वुड हैव ओनली एलिमिनेटेड ऑप्शन नंबर डी, वी वुड हैव स्टिल बी लेफ्ट विद थ्री ऑप्शन। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, तो वी डेफिनेटली नो दिस फैक्ट के डेजर्ट नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ, डेजर्ट नेशनल पार्क में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको बचा रहे हैं, जिसको गोदावन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो निकनेम याद रखना। एंड ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट स्पीशीज रहा है, ये 2010 में जैसे पूछा है वैसे ही 2020 में भी पूछा था, ठीक है? उसके बीच में भी एक दो बार पूछा ही होगा डेफिनेटली, तो ये रिपीट किया है ये स्पीशीज कई बार, तो ये पता होना चाहिए। एंड 2020 में तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया था पूरा का पूरा स्पीशीज के अराउंड, ठीक है? तो करना बहुत मुश्किल हो गया था अगर नहीं पता कुछ भी इसके बारे में, तो टू डेफिनेटली होना चाहिए था, ठीक है? तो अब दो ऑप्शन रह जाते हैं, इधर वन और टू और टू ओनली। तो भीतर करने का सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो प्रॉब्ली आई गेस मिलता है यहाँ पे, राइट? मिलना चाहिए लोकेशन के हिसाब से। तो आई गेस आंसर इसका बी होना चाहिए था, तो एक बार चेक कर लेना। करेक्ट, बी है आंसर। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लायन टेल मकाओ के बारे में पूछा है। तो लायन टेल मकाओ जो है वो एंडेमिक स्पीशीज है, तो खासकर क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीशीज पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये नेटिव एंडेमिक इस टाइप के सवालों से बहुत कंफ्यूज कर देता है, ठीक है? तो क्या आंसर होना चाहिए था लायन टेल मकाओ के लिए, कौन से स्टेट में है? केरला है क्या? मालाबार रीजन है तो केरला होगा, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है ना ये? हाँ, लेकिन ये आंसर तमिलनाडु दिया हुआ है। सी, हाँ हाँ, तमिलनाडु आंसर तमिलनाडु दिया है। आई थिंक एक बार गूगल कर लेना संजय, बिकॉज ये केरला और तमिलनाडु बॉर्डर के जो एरिया है ना, नीलगिरी, ये शायद नीलगिरी में मिलता है लायन टेल मकाक। तो ये देख लो, ऐसा होता है इसका शक्ल, दिखने में जेंटलमैन लग रहा है इस फोटो में, बट थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मतलब जो इंडिया इंडिया हो गया ना, इंडिया और जितना भी एशिया हो गया, तो इनको ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड में साउथ अमेरिका वगैरह आते हैं, ठीक है? तो ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है एंड स्टेटस जो इसका इंडेंजर्ड है, ठीक है? तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी लोकेशन कहाँ है इसके बारे में, हाँ तो ये देख लेना, द लायन टेल मकाओ इज अ फॉरेस्ट for a rainforest dweller animal and found in the tropical forest or evergreen forest. It is diurnal, ठीक है? यानी active जो होता है ये daylights के time ही होता है।
बाकी तो यार फालतू स्पेक्ट लिखे हैं, एक आर्बोरियल लिखा है। तो देखो यार ये यहाँ पे फिगर भी दिखा रहे, तो इसमें तो आई गेस मालाबार रीजन ही बता रहा है, मतलब यू आर राइट, मतलब मैंने भी कुद्रिम मालाबार ही पढ़ा है, कुद्रिमुख बट में पाया जाता ये प्लांट, ये देख। कुद्रिमुख एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। हाँ ये देख लो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि IUCN का रिसेंट जो असेसमेंट था उसमें तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका उसमें पाया जाता अच्छा है। अब इसने बहुत ही नीच कर दिया, क्योंकि इसने ना सारे के सारे मोर आसपास वाले रीजन में ही कंफ्यूज करने की कोशिश किया। तो ये देख लेना, साइलेंट करेक्ट वैली करेक्ट हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ लायन टेल मैकाव, तो एंडेमिक है। नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा शेंदुरेनी, पेरियार टाइगर और इरावकुलम नेशनल पार्क, तो इन सब में भी मिलता है। ठीक है, तो केरला भी होना चाहिए। अब पता नहीं इसने क्या सोच के सवाल पूछा है। ये 2013 का सवाल है, मतलब ठीक है उतना रिफाइंड नहीं था। वो तो शेंदुरनी वगैरह था ना, वो 2019 में वो बायोस्फीयर रिजर्व पे भी वो सब ऑप्शंस गिवन थे। हाँ ये मतलब जो जो फॉरेस्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सो बार बार पढ़ना चाहिए और इसके स्पीशीज भी पढ़ना चाहिए, ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। ठीक है, ये मतलब ये दिशा में तो ओनली तमिलनाडु दिया है, मोस्टली ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। इस बार आया तो मतलब आई होप इट डजंट तमिलनाडु, मतलब केरला, वैसे, कर्नाटक। हाँ मतलब वैसे भी देखेंगे तो इसको कर पाना, एलिमिनेट कर पाना उस सेंस में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये अभी हमने देखा ना असेसमेंट रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इन सब में ही था। तो प्रॉब्ली कोई एक भी आंसर आंसर देगा ना तो गलत ही होना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं 13 में पूछा था तो इतना रिफाइंड नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्क्रीन सबको विजिबल है क्या प्रॉपरली? विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीप्ति आप रीड कर दो इसको। तो कंसिडर द फॉलोइंग, स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉक एंड स्पाइडर मंकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? पिग्मी हॉक तो होगा, ठीक है, सारे सारे। तो डी है क्या आंसर? नहीं, स्पाइडर मंकी हमने कभी पढ़ा है क्या अपने स्पीशीज में? नहीं, तो वो नहीं है, लेकिन मॉनिटर लिजर्ड है। आंसर ए है, आई डोंट नो, अब मॉनिटर लिजर्ड भी हमने पढ़ा नहीं, बट आंसर ए है इसका दिशा के हिसाब से। यार मॉनिटर लिजर्ड दिखला दो एक बार मुझे। हाँ आई गेस मॉनिटर लिजर्ड जो था ना वो इंडिया में शायद मिलता है, आई गेस स्पाइडर मंकी नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 3 आंसर होना चाहिए था, ये गलती से मिस मार्क हो गया। ओके, तो मॉनिटर मतलब लिजर्ड वो देखे ना, कोमोडो ड्रैगन जो होता है, अभी रिसेंटली भी ना न्यूज में था, एक घटना आई थी महाराष्ट्र की, तो उस टाइम भी न्यूज में था मॉनिटर तो क्या लिजर्ड। है ना, लिजर्ड्स नो हर साल कुछ ना कुछ पाया जाता है, सम काइंड ऑफ लिजर्ड। तो लिजर्ड आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये वाला लिजर्ड पाया गया है, बट मंकीज आर वेरी फ्यू। लाइक यू नो जैसे हमारा हूलॉक गिबन हो या फिर लायन टेल मकाक, हम कम पढ़ते हैं मंकीज के बारे में, बट लिजर्ड देखिए करेक्ट जैसे है, करेक्ट है। फ्लावर्स को दे फाइंड, लिजर्ड्स फ्रॉग्स दे फाइंड सम ऑफ द अदर वन, तो मार्क कर सकते हैं। हाँ तो ये देख वेस्टर्न लो, ये घाट, तो ईस्टर्न घाट में। हाँ गो ऑन गो ऑन। ठीक है, तो ये मॉनिटर लेजर्ड का होता है मैं। ठीक है, देख लेना, तो ये तो इंडिया में बहुत टाइप के है, मिलती है, अभी रिसेंटली भी न्यूज में थी तो देख लेना। स्पाइडर मंकी, तो ये बहुत शायद दुनिया का सबसे छोटा मंकी होता है आई गेस, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये रहा, ये देखो कैंडिड पिक्चर, तो ये होता है स्पाइडर मंकी। ऑलराइट, तो आंसर जो था इसका ये हो जाना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस है ना उनमें थीम क्या रहता है, मतलब
अगर वेटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज ना एनवायरनमेंट के जो पार्ट है उसके अंदर यूजली फ्लोरा एंड फौना को दिया जाता है, ठीक है, कि कुछ स्पीशीज न्यूज में रहा है. मैंने मेरे को एक आर्टिकल मिला, उसमें लिखा है चार मॉनिटर लिजर्ड इंडिया में पाई जाती है. फर्स्ट बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, सेकंड वाटर मॉनिटर लिजर्ड, थर्ड येलो मॉनिटर और फोर्थ डेजर्ट मॉनिटर, चार्टर मॉनिटर लिजर्ड. बंगाल वाटर मॉनिटर, येलो और डेजर्ट मॉनिटर. अच्छा, आप जो वो आर्टिकल है ना, प्लीज उसको ग्रुप के अंदर डाल देना, ठीक है ना. ओके, तो ये देख लेना. ट्रेंड की बात करें ना हम लोग, तो ट्रेंड यूपीएससी जो एनवायरनमेंट है उसमें से एटलीस्ट एवरेज 20 क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल आते हैं, ठीक है. एंड उसमें जो मैक्सिमम वेटेज रहता है वो ये फ्लोरा फोना को ही रहता है, कि वो पूछ लेगा ये स्पीसीज किस चीज से रिलेटेड है, या ये जानवर कहाँ कहाँ मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है. जैसे 2020 की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे क्वेश्चन था, एलिफेंट पे क्वेश्चन था, मस्क डियर पे क्वेश्चन था. तो फ्लोरा फोना जो है वो एक इम्पोर्टेंट थीम रहता है, वो सबसे ज्यादा वेटेज ऑक्यूपाई करता है, लाइक 6 to 7 क्वेश्चन इससे आते हैं. देन नेक्स्ट पॉल्यूशन जो हमने डिस्कस किया था, तो इससे भी एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन मैंडेटरी आते ही आते हैं. तो फ्लोरा एंड फोना थोड़ा सा हिट एंड मिस है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लेता है जो कि शायद करंट अफेयर्स में भी ना हो, तो वो थोड़ा हिट एंड मिस रहता है. लेकिन हाँ, एटलीस्ट करंट अफेयर्स पार्ट में ये स्पीशीज कवर कर लोगे ना, तो बहुत हेल्प मिल जाएगा, मतलब काफी हद तक शायद आप ट्राइक कर पाओ उसको, ठीक है. तो वो करंट अफेयर्स हो जाएगा, बाकी क्रिटिकली और ये एंडेमिक जो पार्ट है उससे काफी हेल्प मिल जाएगा मेरे हिसाब से. तो ये अप्रोच होनी चाहिए फ्लोरा एंड फौना पार्ट के लिए. बाकी पॉल्यूशन हमने काफी डिस्कस कर ही लिया, तो आई थिंक उसमें कोई दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है. तो ये रहा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा था, एंड काफी कॉमन सेंस से मैं एक टॉपर का देख रहा था, उन्होंने इसको कॉमन सेंस से सॉल्व किया था. तो एक बार ट्राई करते हैं, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर दो दीप्ति. If you walk through countryside, you are likely to see some birds talking alongside the cattle to cease the insects disturbed by their movement through grasses. So which of the following is or are such birds? So like you know, when cattle is moving, insects in the grasses are disturbed. So usko cease karne ke liye, these birds cling onto the cattle. So, kya hai iska answer? कॉमन महीना तो होगा आई थिंक. लेकिन हाउ डिड यू कम टू दैट आंसर? वो बर्ड्स छोटे छोटे होते हैं ना मैना, तो जब कैटल वो ग्रास लैंड में भी, मतलब ग्रास लैंड पास्चर लैंड में होते हैं, तो उसके आगे पीछे खूब घूमते रहते हैं. अगर मतलब एक तो कैटल के साथ साथ है तो कॉमन होना चाहिए. ये पेंटेड स्टॉक, ब्लैक नेकेड क्रेन, ये पेंटेड स्टॉक, इनके नेक्स बहुत लंबे होते हैं ना. नेक लंबे होते हैं, प्लस इनका जो बीक होता है वो भी बहुत लंबा होता है. तो ये बीक लंबा होने का मतलब है कि ये लोग जो है ये पानी में, मतलब क्रेन पड़ती है कि यार पानी में रहता है, मतलब पानी में ही से ही वो फिशेस डुबता है, ठीक है, वहां से खाता है. तो उस सेंस में इसको एलिमिनेट में वो टॉपर का दिख रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि ना ये मोस्टली स्टॉर्क वगैरह क्रेन वगैरह पानी में रहता है, ठीक है, ये कैटल के आसपास नहीं मिलने चाहिए. तो उस सेंस में उन्होंने 1 और 3 को एलिमिनेट किया था एंड 2 आंसर पे आए थे. तो इस तरह थोड़ा वो है कि हम लोग एनालिसिस लगाएं तो नहीं आता वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. तो ये था ब्लैक नेक क्रेन का IUCN स्टेटस, बताएगा किसी को. आई थिंक नियर थ्रेटन था शायद, चेक कर रहा था. ब्लैक नेक क्रेन नियर थ्रेटेंड है, ठीक है. एंड हमने ये भी पढ़ रखा था कि ना भूटान का जो भूटान, या जो क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट जो एरिया है ना उधर अपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, उधर थोड़ा सा रिवर्ड बर्ड होता है, मतलब पूजा करते हैं इसकी, ठीक है. तो ये है ब्लैक नेक क्रेन, नियर थ्रेटेंड है. तो ये भी न्यूज में था, तो इसलिए याद रखना ब्लैक नेक क्रेन को. एक दो बार रिपीट भी हुआ ये वाला, ठीक है. And it is designated as state bird of Ladakh recently. करेक्ट, ये लिखा हुआ भी, हाँ सही. तो ये चीज याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये स्पीशीज, ठीक है. पेंटेड स्टॉक देख लेते हैं. तो ये देख लो, इतना बड़ा बीक है इसका, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं. देखो ये यहाँ पे, ओ तेरी मेंढक खा रहे तो.
तो एक बार IUCN देख ले रहे हैं इसका भी, तो IUCN इसका भी नियर थ्रेटेंड है, तो ये था, ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और स्पीसीज देख लेते हैं, ड्यूगोंग तो हमने कई बार पढ़ ही रखा है, तो इसका सिंपली आंसर मार्क करना था करेक्ट कौन सा है। तो इट इज अ हर्बीवोरस एनिमल। नेक्स्ट, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ द इंडिया, तो ये फॉल्स है। जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे मिलता है, उसमें भी वो गल्फ ऑफ मन्नार और वो वाला जो रीजन है वहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये आई शायद थिंक मैंने हाँ ऑप्शन ऑप्शंस गायब नहीं डाला, है। हाँ, तो सॉरी। आंसर इसका 1 एंड 3 हो जाना चाहिए था। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकली पूछो। इंडेंजर्ड है शायद ना ड्यूगोंग। नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आई थिंक एंडेंजर्ड एक्चुअली, बस चेक और कर लेना। इंडेंजर्ड है क्या? तो इसको सी काओ भी बोलते हैं, और ये हर्बीवोरस है। ठीक है, ओ सॉरी, एंडेंजर्ड भी नहीं, वल्नरेबल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये लॉकडाउन नाइन बोलिए। के टाइम जो मुंबई में वो लेक में क्या एक स्टॉक या क्रेन क्या था, एक जो भर गया था, वो कौन सा, वो प्राणी कौन सा था? पता नहीं यार, मुंबई का तो मैंने कुछ शायद कोई केस भी नहीं पढ़ा है सर, देख के बता देना अगर किसी को बताओ तो डिस्कशन ग्रुप में। और राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैच द फॉलोइंग था अगेन, तो ये बताना था कौन सा किस में मिलता है। तो ब्लू फिन मशीर, कावेरी रिवर, इरावाड़ी डॉल्फिन, चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैच, ईस्टर्न घाट, तो क्या मार्क करते हैं इसमें? कोई यार ट्राई ये करेगा? डिस्कस करा, हाँ तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है, इरावाड़ी जो है वो चंबल रिवर में नहीं मिलती, इरावाड़ी जो है म्यांमार की रिवर है, एंड वहां से वो डॉल्फिन जो है वो फ्लो करके इंडिया के चिलिका लेक तक आ जाती है। ठीक है, अंदर नहीं घुस पाती, तो ये सेकंड वाला एलिमिनेट कर सकते थे, एंड सेकंड वाला एलिमिनेट करते आंसर स्टेट अप सी 1 इन 3 ओनली आ जाता, तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है। तो ये भी याद रख लेना, जितनी भी मशीन है सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक होती है ग्रेट हम्पबैक मशीर, ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर ऑफ कावेरी रिवर। ठीक है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंड अभी ये ब्लूफिन मशीर जो थी पहले, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, बट इसका कंजर्वेशन प्रोग्राम चला बहुत सही तरीके से, उसके बाद प्रॉब्ली इसका IUCN स्टेटस में शायद रिलैक्सेशन मिला था, मैं देखता था। ने कुछ बताया था ना, गोल्डन में ईएन आता है तो एंडेंजर्ड होगा, और ये सारे मशीर का। हाँ राइट, आई गेस चैलेंज के अंदर हमने मशीर के ऊपर डाला भी है एक राइटअप वगैरह शायद किसी का, देख लेना एक बार। ब्लूफिन इज लीस्ट कंसर्न। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, कुछ कह रहे हो क्या आप? इट इज लीस्ट कंसर्न। नहीं अभी भी नहीं आ रहा यार ऑडियो। ही सेइंग ब्लू फिंड इज लीस्ट कंसर्न। अच्छा हाँ करेक्ट, तो वो कंजर्वेशन प्रोग्राम चला था उसी का रिजल्ट था कि वो अब लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ गया। ठीक ऑरेंज भी है तो क्या नेक्स्ट, इसमें? ऑरेंज भी है आई गेस मशीन, ऑरेंज शायद गोल्डन को भी बोलते हैं क्या? गोल्डन अलग है। एक्चुअली ऑरेंज मैंने ही ही उस दिन सर, ये बनाया था। हम बैक है। अच्छा हम बैक है क्या ऑरेंज? हाँ ये देख लो, इतना जायंट मछली है, मछली भी क्या है, मछला है देख लो, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ दिस ह्यूमन बींग, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2020। तो ये एलिफेंट वाला क्वेश्चन है, आई गेस कई बार हमने डिस्कस भी कर लिया, तो आंसर इसका सिंपली ये था, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज ट्रू, ये चीज सही था। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन जो थर्ड था, एन एलिफेंट के नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टू द एज ऑफ 40 इयर्स, तो ये बहुत ओवरली करके ना बहुत ज्यादा उसको स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर दिया, कि ऐसा नहीं है यार, ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है कि मीनोपॉज के बाद में भी लोगों के बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसा बोल देना कि 40 के बाद बच्चे ही नहीं होते, तो ये थोड़ा गलत होता है। ठीक है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर सकते थे, एंड केरला वॉज इनकरेक्ट, इसका आंसर कर्नाटका था। ठीक है, तो रिसेंटली मतलब उस टाइम करंट अफेयर्स में था ये चीज। ठीक है, एंड स्पेशली
एलिफेंट रिलेटेड काफी केसेस हुए थे जिसकी वजह से न्यूज में था पूरा टॉपिक. तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी ये फ्रॉग माउथ वाला तो डिस्कस किया हुआ है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 With reference to New York Declaration on Forests, which of the following statements are correct? It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. It endorses a global timeline to end the loss of forests. It is a legally binding international declaration. It is endorsed by governments, big companies, and indigenous communities. And fifth statement is India was one of the signatories at its inception. So, kya hona chahiye iska answer? कोई ट्राई करेगा? यस मैम. तो आई गेस लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपली एक डिक्लेरेशन है तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है आई गेस. तो थर्ड को एलिमिनेट कर सकते थे, तो वी वुड हैव लेफ्ट विद ए एंड डी प्रॉब्ली. ठीक है, एंड फोर्थ तो सही लग रहा है. हाँ मतलब यूजुअली इस टाइप के डिक्लेरेशन होते तो सभी लोग एंडोर्स करते हैं. डिक्लेरेशन में पब्लिक भी होती है, प्राइवेट कंपनीज भी होती है, तो आई गेस ये आंसर होना चाहिए था 24. करेक्ट आंसर वही है. तो वही है, मतलब नहीं भी पता था तो थोड़ा सा एनालिसिस वर्क से आप गेस वर्क करके कर सकते थे इसको, बट ठीक है, हाइंडसाइट में कहना ज्यादा आसान है. बट इसी चीज को फिगर आउट करने के लिए हम ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, ये इस टाइप से जो एनालिसिस वर्क है हम लोग करते हैं. तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट रहती है कि पार्टिसिपेट करो, अगर आपके पास कोई इनसाइट है कि हाँ कैसे एलिमिनेट करें तो बाकियों के भी साथ शेयर करो. ठीक है, तो कॉमन गुड है वो, ठीक है, बांटने से बढ़ेगा. हाँ कंटिन्यू. ठीक है फिर, सो व्हाट इज अबाउट दिस थिंग? Leaders at the COP26 Global Climate Conference in Glasgow pledged to stop deforestation by end of decade, slash emissions, greenhouse gas, methane helps slow climate change. 2020 world lost this much of forest according to Global Forest Watch. किसी को पता है Global Forest Watch क्या है, किसके अंडर है? नहीं आइडिया नहीं. ओके, मुझे भी आइडिया नहीं है, पता करके मैं बता दूंगी. कंजर्वेशन ये वो नहीं है शायद. नो नो नो. Meanwhile, if somebody can Google it and tell. Yes, हाँ वो ठीक रहेगा. अभी आगे चलते हैं. हाँ, the conservation charity WWF estimates. हाँ, ये इतना important चीज नहीं है, फिर भी मैं डाल दिया. 27 football fields of forests are lost every minute. तो बहुत ज़्यादा ही. Over 100 national leaders pledged to halt and reverse deforestation. And ठीक है. Agreement expands a commitment by 40 countries as part of the 2014 New York Declaration of Forests. So this whole thing is matlab is a subpart of the COP26 Glasgow Summit. So kya hai, dekh lete hai, what is 2014 New York Declaration of Forests? Ek bar niche scroll karna Sanjay. The New York Declaration on Forests is a voluntary, non-legally binding political declaration which grew out of dialogue among governments, companies and civil societies spurred by the United Nations Secretary General's Climate Summit held in New York in 2014. So, ye independent ye tha, and voluntary bhi tha, and non-legally binding. And the declaration pledges to halve the rate of deforestation by 2020, to end it by 2030, and to restore hundreds of millions of acres of degraded land. The proposed land restoration is described as covering an area larger than India. It has presently over 200 endorsers, including national governments, subnational governments, sub hai isme, NGOs bhi hai. These endorsers have committed to doing their part to achieve the NYDF goals and follow it accompanying action agenda. India is not a signatory. Okay. So, this is important, but हाँ बोलो. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए. इसमें ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI का,
और फिर इसके साथ है यूएस एड, ठीक है, करेक्ट करेक्ट. हाँ, दे यूज मतलब गूगल भी पार्टनर है इसका, और तो बाकी सारे इम्पोर्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है. इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं. बॉर्न चैलेंज डिस्कस कर ले, क्या होता है कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज बॉर्न चैलेंज? एनीवन स्पर्स? पीपी प्रदीप, स्वप्निल, बॉर्न चैलेंज क्या सर है? वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए वो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था ना? हाँ, तो सॉरी, वो रिकवरिंग था. लैंड को. ये आईयूसीएन का है क्या? नहीं, बॉर्न चैलेंज है आई गेस. ये यूएनसीसीडी के अंडर ही ये चैलेंज उठाया है कि हम लोग रिक्लेम कर लेंगे 300 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया. मतलब ये तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये बात चल रही थी कि हम लोग इतना कर लेंगे, लेकिन इंडिया का इसमें टारगेट था. तो इंडिया के टारगेट के बारे में यार पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. तो किसी को आइडिया है क्या? तो ये देख लेना ग्लोबल टारगेट क्या है पहले, तो ये पता होना चाहिए. तो 150 मिलियन हेक्टेयर था, तो ये मिलियन हेक्टेयर था. इट वॉज टू बी रिक्लेम बिफोर 2020, ठीक है. और फिर 2030 के लिए क्या टारगेट था? 2030 के लिए टारगेट बढ़ के 350 मिलियन हेक्टेयर हो रहा था, ठीक है. तो ये था जो इंडिया का इसमें जो टारगेट था, इंडिया में, इंडिया का इनिशियली इसमें आई गेस 13 मिलियन हेक्टेयर था बाय 2020, लेकिन बाद में हमने इसको रेज कर दिया था. हाँ हाँ, कोई कुछ ऐड करेगा? ओके, तो इंडिया ने इसको रेज कर दिया था विद एन एडिशनल 8 हेक्टेयर, ठीक है. तो हमारा जो टोटल टारगेट था वो 27 मिलियन हेक्टेयर हो गया था, ठीक है. तो ये इंडिया का टारगेट है बट 2030, ये याद रखना. वो हमने वो भी पढ़ा था ना, एनवर पीएमएफआईएस ने कुछ वेस्टलैंड पे जेट्रोपा वगैरह वो बायोफिल में यूज होगा इसलिए कुछ लगाने वाले थे, ऐसा कुछ था. हाँ, वो भी था कि हम लोग जो है रिक्लेम करने के लिए जट्रोफा उगाने वाले थे. तो उससे क्या है कि जट्रोफा उगाना ही था क्योंकि बायोफ्यूल पॉलिसी था. तो उससे किसी हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फूड क्रॉप को डिस्प्लेस ना करके ऐसे जो बेकार एरियाज है उनको रिक्लेम करने के लिए ये आइडिया था. तो ये मेवा की जो फॉरेस्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो भी यूज किया जा सकता है ना इसमें बोन चैलेंज के अंडर? मियावाकी एक्चुअली अर्बन फॉरेस्ट के लिए, तो आई एम नॉट अर्बन श्योर कि उतने, फॉरेस्ट. हाँ उतने, क्योंकि एटलीस्ट फॉरेस्ट की हम बात करते हैं ना, तो 1 हेक्टेयर एरिया की बात करते हैं. तो प्रॉब्ली अगर 1 हेक्टेयर एरिया है किसी सिटी के अंदर, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर है तो शायद कंसिडर कर सकते हैं इसको. ये बॉर्न चैलेंज आईयूसीएन के अंडर ही है. पहले पहले 2011 में आईयूसीएन एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी हैव स्टार्टेड दिस चैलेंज. लेटर ऑन यूएन क्लाइमेट समिट 2014 में जो हुआ था न्यूयॉर्क में, दीज पीपल हैव एडॉप्टेड इट. अच्छा, हाँ राइट. तो तो आईयूसीएन इंडिया क्या? में भी, सॉरी, हाँ हाँ दोबारा, बोलो बोलो. इंडिया में भी एमओएफसीसी हैज कोलैबोरेटेड विद आईयूसीएन फॉर बॉर्न चैलेंज. तो ये राइट. आईयूसीएन का ठीक है, तो ये चीज थोड़ा याद रख लेना, ठीक है. और राइट, और किसी को कुछ ऐड करना है इस टॉपिक में? है. इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज, ट्रू और फॉल्स? नो, नॉट पार्ट ऑफ इट. एंड वो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इट इज पार्ट ऑफ. दीप्ति, करेक्ट. और क्वेश्चन नहीं है क्या? आई होप नहीं हुआ सिंक, सॉरी गाइस. या ठीक है, किसी और का पार्ट है जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट फिर है? मैं शेयर कर दूं क्या, क्योंकि मेरे इसमें तो है. अच्छा, आप अपने एंड से कर दो, ठीक है, वो चलेगा.
आई गेस विनी वगैरह ने भी किया है क्या अपना पार्ट? हाँ, ये 22nd क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोपीपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया. गाइस, आई एम ऑडिबल राइट? यस यस, ऑडिबल. ठीक है, तो हाँ, कोपीपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फोरामिनिफेरा. तो विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन्स ऑफ ओशन? क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? तो डायटम्स हमको पता है कि एल्गीज होते हैं, तो दे आर डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म, तो दे शुड डेफिनेटली बी प्राइमरी प्रोड्यूसर. साइनोबैक्टीरिया, तो हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी बोलने का मतलब ही यही है कि दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. आई गेस 2 एंड 3 होना चाहिए आंसर. बाकी नॉट श्योर ऑफ कोपीपॉड्स और ये फॉरमिनिफेरा, बट डेफिनेटली 2 एंड 3 सही लग रहा है. करेक्ट, सो आंसर वही है. एंड मुझे ये भी लगा, जब भी पॉड्स आते हैं ना, सो वी ये एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं. मुझे पूरा तो बिल्कुल भी नहीं पता, बट ये पॉड्स एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं. एंड वी हैव सीन नन ऑफ द एनिमल किंगडम स्पीशीज आर सेल्फ मतलब प्रोड्यूसिंग, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो नहीं है. तो वन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड बाकी हाँ, वी शुड नो व्हाट इज फोरामिनिफेरा. आर्थ्रोपॉड्स, पोडास भी है ना, उसी के अंडर आता है शायद वो. मतलब ये बहुत अच्छा लॉजिक बताया आई थिंक दीप्ति ने, कि यूजली मोस्टली पॉड्स, ऑर्थोपॉड्स, तो ये सब हम लोग एनिमल किंगडम में ही पढ़ते हैं. वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते, वो यूजली सेकेंडरी या टेरिशरी कंज्यूमर्स होते हैं. आई थिंक वो बहुत सही लॉजिक है, उससे शायद इलिमिनेट कर सकते थे वन वाले ऑप्शन को. एंड दो में आ जाता फिर 50-50. एंड अगर ये सिनोबैक्टीरिया और डायटम्स पता होता तो आई थिंक सॉल्व हो जाता, क्योंकि डायटम्स हमने कई बार सॉल्व किए हैं इन दीज एमसीक्यू. तो बहुत frequently diatoms पूछा है यूपीएससी ने. यूपीएससी का फेवरेट है. हाँ, यूपीएससी का फेवरेट ऑर्गेनिज्म है. diatoms पे थोड़ा खासा फोकस रखा होता तो ये डेफिनेटली आंसर सॉल्व हो जाता उस चीज से, सिर्फ पीवाईक्यू से ही. ठीक है, कंटिन्यू करें. तो देख लेते हैं क्या है diatoms. What are diatoms? They are photosynthesizing algae that are found in almost every aquatic environment, including fresh and marine water soils, in fact almost every anywhere moist. Diatoms have cell walls made of silica. Each species has a distinct pattern of tiny holes. ये porous होते हैं, porous cell wall है इसका, through which they absorb nutrients and get rid of the waste. So cell walls से they absorb nutrients and get rid of waste. फिर diatom is a photosynthetic single celled organism, which means एक तो photosynthetic है. And which means they manufacture their own food in the same way plants do. Phir diatoms are important as they provide the basis of food chain for both marine and freshwater microorganisms. They are major source of atmospheric oxygen, responsible for 20-30% of carbon fixation. They can act as environment. हाँ, ये point important है. They can act as environmental indicators of climate change. Phir they form the basis of some household goods such as pest or mite prevention and mild abrasive. Okay, mere isme bhi copy nahi hua, sorry guys. So this is about diatoms. Although there's more than what we need to know. Aur kuch add karna hai kya isme? Theek hai, itna more than necessary I guess diatoms mein. Right, so ye foraminifera ke bare mein dekh lete ek bar. So the last glacial maxim, ye kya hai? Last glacial maxim, it was most recent time during the last glacial period that ice sheets were at their greatest extent. So last time ice sheets jyada kab mile the? LGM ke time mein. Vast ice sheets covered much of North America, North Europe, Asia and profoundly affected Earth's climate by causing drought, desertification and a large drop in sea levels.
growth of ice sheets commenced 33,000 years ago, and maximum coverage was between 26,000 and 19 to 20,000 years ago. So basically, like last, when have we seen glacial maximum? तो इसमें क्या है, हाउ सो शेल्स प्रिडिक्ट आईओआर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. ये जो फोरा मिनीफेरा है ना, दे बिल्ड कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स एंड स्टडीइंग दीज कैन टेल अस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इन विच दे लिव्ड. तो ये बहुत पहले ये फोरा मिनीफेरा शेल्स बनाए हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, अभी भी है. तो ये स्टडी करके यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे वाटर का क्वालिटी क्या था, properties of water. So by studying microscopic zooplankton called foraminifera, the team has published a paper in 2019 which first found evidence from the past of an Indian Ocean El Nino. So iske wajah se ye option mein aaya hai foraminifera. They have understood Indian Ocean El Nino through this organism foraminifera. The team measured multiple individual shells of the foraminifera from ocean sediment cores and was able to reconstruct the sea surface temperature conditions of the past. The Indian Ocean has the capacity to harbor much larger climate variability than observed during the last few decades. So ye it means that ki climate variability like sahan karne mein Indian Ocean ka bahut zyada capacity hai. और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? नो आई गेस ठीक है. हमसे याद आ वो डायटम टेस्ट आता पता है? नहीं बता दो. अभी किया था ना वो कुछ मुंबई में इंसिडेंट हुआ था. मतलब जब किसी की मौत पानी में डूबने की वजह से होती है तब वो टेस्ट होता है, तो उसमें डायटम्स के एटम्स पाए जाते हैं, वही है. ये वैसे इसमें आया ही इसलिए है बिकॉज दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दैट केस ओनली, वो मुंबई वाला केस. ठीक है तो हाँ ये देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन. जैसे थोड़ा ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं रीड कर लेता हूँ ऊपर. ठीक है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दो. So question was which one of the following is the correct sequence of food chain. ठीक है तो diet items हमने discuss किया, UPSC का favorite organism है, तो यहाँ पे clearly देख सकते हो pudding के अंदर ये चीज पूछी गई थी. ठीक है तो pudding में एक सवाल थोड़ा सा और scroll कर दो. तो sequence था diatom crustacean herrings का, तो ये बताना था correct sequence क्या है food chain में. तो कोई अभी attempt करना चाहेगा apart from Sapnil? कोई और? वन होना चाहिए ना. हाँ करेक्ट. तो हेरिंग्स जो है वो तो फिश है, क्रस्टेशियन हमें पता है कि क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, स्मॉलर बीइंग्स होते हैं लाइक क्रैब्स या फिर श्रिम्स इस टाइप का होता है. ठीक है और डायटम्स एल्गी होता है. तो वो सीक्वेंस ऐसा बन जाएगा कि डायटम्स को क्रस्टेशियंस खाते हैं एंड फिर क्रस्टेशियंस को हेरिंग जो कि फिश होता है बड़ा वो खा जाता है. ठीक है तो उस सेंस में ये पूरा सीक्वेंस वर्क करता है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है अगर डायटम और क्रस्टेशियन का भी आपको लॉजिक पता होता. ठीक है तो ये था, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 2013 में पूछा गया था, तो विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म. ठीक है तो स्टेटमेंट ऑप्शन से वायरस फंगाई एंड बैक्टीरिया, तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? ऑप्शन बी वायरस तो नहीं है डिकम्पोजर, और फंगाई और बैक्टीरिया. करेक्ट तो ये वन को एलिमिनेट करना था एंड टू एंड थ्री आंसर आ जाना था. ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट इसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है ना? यस बैक्टीरिया यूकैरियोट है, सॉरी प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया. और फंगाई यूकैरियोट है. राइट इसमें एक और इनको एक और टर्म बोलते हैं ना जो डीकंपोजर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं? डेट्रिओरस. हाँ सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट ओके. डेट्रिओरस डेट्रिओरस भी सही है, वो भी बोलते हैं. हाँ एक और स्टेटमेंट है कि फंगाई एंड बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स बोथ. मतलब एंटायर अगर ऑल के लिए बोलते ऑल के लिए गलत हो जाएगा. जैसे हमने देखा ना साइनोबैक्टीरिया,
तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन खुद ऑटोट्रॉफ भी होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट ऑल के लिए होगा तो गलत हो जाएगा, बट जनरली हाँ ट्रू होगा। गाइस आई एम सॉरी, मेरे इसमें भी कॉपी नहीं हुए थे बहुत सारी चीजें। ठीक है कोई बात नहीं यार, कोशिश देखो कल के लिए करते हैं, अब अभी यही स्टॉप करते हैं। यस कल कल हो जाएगा मेरा।